वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिग्नल एंड सिस्टम्स में अपने टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड एनर्जी एंड पावर सिग्नल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड रैंडम सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वे सिग्नल जिन्हें अपन मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में अपन एनी टाइम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकें, वो सिग्नल कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। क्लियर? अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कैन बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन एट एनी टाइम। क्लियर? ये है मैथमेटिकली ये फॉर्म है से, इसको मैथमेटिक एग्जाम्पल समझाऊँ मैं। मैथमेटिकल जैसे सिग्नल से मान लो साइन वेव दी हुई है, ए एम्पलीट्यूड इसका ए है, टाइम पीरियड टी है और सिग्नल एक्स ऑफ टी और मिड टाइम पीरियड दिया हुआ लिमिट जीरो पाई टू पाई इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करें इस सिग्नल को, अपन कैसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि इस सिग्नल कौन सी साइन वेव से पढ़ा अपन ने। तो साइन वेव को अपन कैसे लिख सकते हैं, नोट करते ए साइन ओमेगा टी से, ए साइन ओमेगा टी से। तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? इसको अपन रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से और डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लगे, एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस टू पाई एफ एन। क्लियर? तो ये जो हुआ इसको अपन मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सिग्नल अपने कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। एग्जाम्पल जैसे एक्सपोनेंशियल पल्स हो गई, ट्रेंगुलर वेव हो गई, स्क्वायर वेव हो गई, साइन वेव हो गई, सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल कहलाए। ठीक है, अब बात करें रैंडम सिग्नल की। तो रैंडम सिग्नल क्या होता है, इसका अपोजिट, मान जिन्हें अपन मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ सिग्नल विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में अपन जिस सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा सिग्नल कहलाता है अपना रैंडम सिग्नल। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है नॉइस। ठीक है, नॉइस जो है बेटा इसकी सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहलाता है नॉइस। नॉइस जो किसी भी इक्विपमेंट में मालूम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कोई भी, उसमें जो नॉइस जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, तो वो अपने क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉइस का कोई से अपनी होता, किसी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो है सिग्नल टी, एक्स ऑफ टी और ये रैंडम सिग्नल। ठीक है, थैंक यू।